हेलो दोस्तों। तो अपन ने टॉपिक पढ़ रहे थे अपन एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और अपन ने लास्ट क्लास में ब्रीफ में सारे हार्मोन्स और उनके सारी ग्लैंड्स को अपन ने देख लिया था। ब्रीफ में अपन ने देखा था कि जितनी भी जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे सीक्रेट होने वाले कौन कौन से हार्मोन होते हैं उनके बारे में देख लिया। अब अपन एक एक ग्लैंड को डिटेल्स के साथ में क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रेन होता है, ब्रेन का एक भाग होता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अगर मस्तिष्क के डायनेन्सेफेलोन के पर्श पर स्थित होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है ये अगर मस्तिष्क के डायनेन्सेफेलोन भाग के फर्श पर क्या होता है, स्थित होता है। अब जो हाइपोथैलेमस होता है ये फोर ब्रेन में आता है। कौन से ब्रेन में आता है? फोर ब्रेन में। और फोर ब्रेन में भी किसके साथ में आएगा? ये डायन सिफिलोन के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा? डायन सिफिलोन के साथ में आएगा। अब जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये किसका पॉइंट होता है, मतलब इसके द्वारा किस किस को कंट्रोल किया जाता है? ये हंगर को, आपके थर्स्ट को, टेम्परेचर को, स्लीपिंग को, लव और हेट जितनी भी फीलिंग्स होती हैं इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर या हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं दोस्तों? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। किसमें प्रेजेंट होती हैं? आपके हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती हैं। इसे सेल्स न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेल्स को सेल न्यूक्लियाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो हाइपोथैलेमस है आपका। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या पाई जाती है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं या न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। अब ये कौन कौन कितने कौन कौन प्रकार के हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। ये देखिए, जो आपको न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि इनको रिलीजिंग हार्मोन्स को, कौन से हार्मोन्स को? रिलीजिंग हार्मोन्स को। और इनके अलावा कौन से हार्मोन होते हैं आपके? इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, संदमक हार्मोन होते हैं और मुक्तक हार्मोन होते हैं। मुक्तक हार्मोन का काम क्या होता है? इनके द्वारा किसी ना किसी एक हार्मोन को रिलीज करवाया जाता है, जबकि जो संदमक हार्मोन होते हैं उनके द्वारा किसी ना किसी हार्मोन को क्या किया जाता है? संदमित किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है, उसको सीक्रेट होने से रोका जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं किसको? हाइपोथैलेमस आपका। हाइपोथैलेमस से फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? GnRH हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों? GnRH हार्मोन रिलीज होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है ये GnRH हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसका फुल फॉर्म है गोनेडो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? गोनेडो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। अब जो गोनेडो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है यह काम किस पर करता है? एडिनो हाइपोफाइसिस पर, अग्र पीयूष पर। मैंने आपको बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके दो भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो आपका GnRH हार्मोन है ये काम किस पर करता है? आपके एडिनो हाइपोफाइसिस पर काम करता है। और एडिनो हाइपोफाइसिस पर काम करते हुए एडिनो हाइपोफाइसिस को सिग्नल देता है किसके लिए? दो हार्मोन रिलीज करवाने के लिए, FSH हार्मोन। एक तो कौन सा हार्मोन होता है आपका? FSH हार्मोन। और एक हार्मोन होता है आपका LH हार्मोन। कौन कौन से हो गए? FSH हार्मोन हो गए और कौन से हार्मोन हो गए? LH हार्मोन हो गए। अब जो FSH हार्मोन है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या फुल फॉर्म होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है। पुट्टक प्रेरक हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। जबकि जो आपका LH हार्मोन होता है, LH हार्मोन को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों जो हार्मोन होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं आपके? ये गोनेड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड होते हैं आपके? गोनेड से रिलेटेड है। गोनेड्स में किससे? आपके जो टेस्टिस और ओवरी होती हैं वो किस में आते हैं आपके? गोनेड में आती हैं।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आएगी आपकी? हाँ, जो नेक्स्ट कंडीशन है इनहिबिनिंग हार्मोन की बात करते हैं। कौन से हार्मोन की बात करते हैं? इनहिबिन हार्मोन की बात करेंगे। अब जो इनहिबिन हार्मोन है, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि इनहिबिन हार्मोन क्या करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिला किसी ना किसी कंडीशन में, क्या मिला उसको? सिग्नल मिला कि किसी ना किसी हार्मोन की क्या हो गई है, बॉडी में कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है GHIH। क्या नाम है? GHIH। इसको बोलते हैं अपन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। दूसरा नाम है इसी हार्मोन का, नाम है सोमेटोसिस्टेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन के नाम से जानते हैं दोस्तों? सोमेटोसिस्टेनिन हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हार्मोन करवाएगा क्या, ये काम करेगा एडिनो हाइपोफाइसिस पर। किस पर काम करेगा? एडिनो हाइपोफाइसिस पर। देखो पहले वाला हार्मोन था वो भी किस पर काम कर रहा था आपका, एडिनो हाइपोफाइसिस पर, अगर किस पर कार्य कर रहा था, ये हार्मोन भी किस प्रकार कर रहा है, किस पर काम कर रहा है आपका, एडिनो हाइपोफाइसिस पर काम कर रहा है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस पर ये काम कर रहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस पर ये काम करते हुए एडिनो हाइपोफाइसिस को सिग्नल देता है कि अब ग्रोथ हार्मोन है उसका रिलीज नहीं करवाना, उसको क्या कर देता है, ये इनहिबिट करवा दे। नो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इसे दूसरा नाम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इन हार्मोन का ये क्या करवा दिया, एक कंडीशन में तो देखो क्या करवाया था, एक कंडीशन में पता अपने करवा दिया था, यहाँ पर क्या करवाया, जो रिलीजिंग हार्मोन है उनके बारे में देखा, और एक कंडीशन में अपने क्या करवाया, इनहिबिटिंग हार्मोन की कंडीशन में देखा। एक हार्मोन तो ग्रोथ जो हार्मोन है उसको रिलीज करवा रहा है, और एक क्या कर रहा है, उन हार्मोन को संदमन कर रहा है, उनको रिलीज होने से क्या करता है दोस्तों, रोकता है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या, हाइपोथैलेमस तथा प्यूटरी, हाइपोथैलेमस तथा प्यूटरी के मध्य हाइपोथैलेमिक हाइपो फिजिकल ट्रोपिक सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस और जो प्यूटरी ग्लैंड होती है उनके मध्य हाइपोथैलेमिक हाइपो फिजिकल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? हाइपोथैलेमिक हाइपो फिजिकल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। इस सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, इस सिस्टम के द्वारा हाइपो थैलेमस से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको प्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाने में कार्य करता है। अब देखो जो हाइपोथैलेमस है और जो प्यूटरी ग्लैंड है उनके बीच में एक सिस्टम पाया जाता है, एक पोर्टल पाया जाता है। उस पोर्टल का क्या नाम है? उस पोर्टल का नाम है हाइपोथैलेमिक फिजिकल पोर्टल सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम करता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या आपका एक हाइपोथैलेमस है, और इस हाइपोथैलेमस से हार्मोन को कहाँ तक पहुँचाना है? प्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचाना है। तो प्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचाने के लिए इसके बीच में ये एक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। इसी पोर्टल सिस्टम को किस नाम से जानते हैं अपन? हाइपोथैलेमिक फिजिकल पोर्टल सिस्टम। किस नाम से जानते हैं? हाइपो थैलेमिक हाइपो फिजिकल पोर्टल सिस्टम। ये आपका यहां से क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, आगे आगे अपन चलते हैं हाइपोथैलेमस में। किसमें चलते हैं वापस से? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में अपन ने बात किसकी की थी? न्यूक्लियर की बात की थी। हाइपोथैलेमस में किसकी बात की अपन ने?
न्यूक्लियर की बात की थी, न्यूक्लियर की बात करते हैं। इसमें भी इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसमें? दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट देखो कैसे होते हैं, ये कहा जाता है कि जो प्यूटरी ग्लैंड होती है, प्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन होते हैं। एक तो होता है एडीएच हार्मोन, एक होता है आपका कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इनका जो निर्माण होता है, वो सिक्रेशन होता है, वो कहाँ होता है? वो होता है आपका हाइपोथैलेमस में सिक्रेशन होता है, या हाइपोथैलेमस में इनका निर्माण होता है। ये वहां से निकलते हैं और निकल कर आते कहाँ तक है? पिट्यूटरी ग्लैंड तक आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आकर तो क्या होते हैं? ओनली स्टोर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ओनली स्टोर होते हैं। कहाँ पर आकर? पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर। जबकि इनका निर्माण होता है वो कहाँ होता है? आपका हाइपोथैलेमस में होता है। तो न्यूक्लियाई होते हैं, वो न्यूक्लियाई कितने प्रकार के होते हैं? दो, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई होती है और एक होता है पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। दो सेल्स बताई थी कि हाइपोथैलेमस में होती है, उसमें दो प्रकार की सेल्स पाई, उसमें दो सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर सेल्स बोलते हैं। और न्यूक्लियर भी सेल कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई आपकी कौन सी, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई हो गई, और एक कौन सी हो गई आपकी, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हो गई। अब जो आपके सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई होती है, ये सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई क्या करेगी? इसके द्वारा सिक्रेशन किसका किया जाएगा? एडीएच हार्मोन का। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा? एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा। एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डाई यूरेटिक, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। या इसी को दूसरा नाम क्या है बोलते हैं अपन? वेसोप्रेशन हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वेसोप्रेशन हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। दूसरी जो सेल है वो सीक्रेट करती है आपकी कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से हार्मोन के नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। जो मिल्क होता है उसके लेग डाउन में कौन हेल्प करता है? यही आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है। तो अपन ने यहाँ से कितने हार्मोन देखे? यहाँ से अपन ने दो हार्मोन के बारे में बातें की। एक तो कौन सा हार्मोन था? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक कौन सा था आपका? एडीएच हार्मोन था। फिर नेक्स्ट आते हैं ये दोनों हार्मोन जो अपन पढ़ के आ रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन, ये दोनों हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड के पोस्टियर पार्ट में, न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में आकर स्टोर होते हैं। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो ये हार्मोन होते हैं ये स्टोर होते हैं कहाँ पर? प्यूटरी ग्लैंड में। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। जबकि इनका निर्माण होता है वो कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। इसीलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस को न्यूरो हेल ऑर्गन भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? न्यूरो हेमल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। किस कौन से ऑर्गन को जानते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस को। न्यूरो हाइपोफाइसिस के को दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या होता है? न्यूरो हिमल अंग, या न्यूरो हिमल ऑर्गन के नाम से भी उसको जानते हैं। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट, नोट। नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है जो आपका हाइपोथैलेमस में स्रावित होने वाले हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आपको पता हो या आपने छोटे छोटे क्लासों से आप पढ़ते आ जाने कि जो प्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। जबकि आपको मैं बता दूं, जो प्यूटरी ग्लैंड होती है उसको भी कंट्रोल करके कौन रखता है? हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करके रखता है। इसलिए तो हाइपोथैलेमस तो उस पर भी उससे बड़ा हो गया। तो इसीलिए इस ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और वो ग्लैंड है कौन सी आपकी? प्यूटरी नहीं है, वो याद रखना। कौन सी है आपकी? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रित करती है, इसलिए हाइपोथैलेमस को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट, निम्न में से मास्टर ग्रंथि कौन सी है? निम्न में से मास्टर ग्रंथि कौन सी है? आपके पास ये ऑप्शन होती है, नौ कितने, सॉरी चार ऑप्शन है। एड्रिनल, एड्रिनल तो वैसे ही कटआउट हो गए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आती है आपकी प्यूटरी, प्यूटरी हो सकती है, हाइपोथैलेमस हो सकता है, और थायरॉइड ग्लैंड ये नहीं हो सकती।
तो बचे कितने अपने पास, दो। इन दोनों में से भी आपके पास ऑप्शन कितने मिले, आपको पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस एक साथ ऑप्शन मिल गए, तो आपको आंसर हमेशा कौन सा करना होगा, हाइपोथैलेमस आंसर करना होगा। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट बात, नेक्स्ट आते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में अपन अब भी स्टार्ट कौन सी करेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि स्टार्ट करेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि स्टार्ट करेंगे। इतनी देर तो अपन हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ रहे थे कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस में फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडेनो हाइपोफाइसिस होते हैं, वो पिट्यूटरी के जो अंग होते हैं उनके द्वारा कुछ हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, कुछ को छोड़ा जाता है। मतलब ये अपन किससे रिलेटेड बात कर रहे थे, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड बातें कर रहे थे। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट ग्रंथि, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है अपने, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं अपन, हाइपो फाइसिस सेरेब्राई। हाइपो फाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है। इसका ओरिजिन है, ओरिजिन में किस प्रकार की होती है ये, ओरिजिन में होती है एक्टो डर्मल। किस प्रकार की होती है, एक्टो डर्मल होती है। इसका जो आकार होता है ये मटर के दाने के समान होता है। किसके दाने के समान होता है, मटर के दाने के समान होता है। जो वेट होता है, वेट कितना होता है इसका, वेट होता है आपका 0.5 ग्राम होता है एडल्ट में। ये याद रखना, किसमें, एडल्ट की बात हो रही है। एडल्ट में स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं आपको बताऊं, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ब्रेन के अंदर इस प्रकार से क्या पाई जाती है आपकी, ब्रेन हड्डी, जो ब्रेन की हड्डी होती है उसी के अंदर एक इस प्रकार से खड्डा पाया जाता है। इधर भी आपकी बोन मिलेगी आपको, इधर भी बोन है, इधर भी बोन्स है। ये बोन के अंदर ये क्या है, कोई केविटी है, ये क्या होती है आपकी, केविटी पाई जाती है। देखो जिस प्रकार से इस डायग्राम में समझाया है आपको, ये आपकी क्या हो गई, पूरी की पूरी केविटी हो गई। इस केविटी या इस अस्थि को बोलते हैं स्फीनोइड अस्थि। किस नाम से जानते हैं, स्फीनोइड अस्थि के नाम से जानते हैं। जो गृतनुमा संरचना है, जो खड्डा नुमा संरचना है, उसको बोलते हैं सेला ट्रसिका। क्या नाम से जानते हैं, सेला ट्रसिका के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर एक ग्रंथ पाई जाती है, इसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी रहती है। इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। इनफंडिबुलम कहाँ पाया जाता है, सेला ट्रसिका का भाग में पाया जाता है। कौन सा भाग में पाया जाता है, सेला ट्रसिका का भाग में पाया जाता है। जो सेला ट्रसिका का भाग होता है इसके चारों ओर जो कवरिंग पाई जाती है वो बोन के पाए जाते हैं। उस बोन को क्या बोलते हैं, स्फीनोइड बोन के नाम से जानते हैं। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या लिखा है, जो स्पिनोइड बोन में एक गृतनुमा संरचना पाई जाती है जिसको सेला ट्रसिका के नाम से, यह भी अपने देखा है अपन, जो सेला ट्रसिका होती है ये थी सेला ट्रसिका, ये आपकी सेला ट्रसिका हो गई। फिर अपन यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें एक वंत्र लाइक स्ट्रक्चर, इनफंडिबुलम लाइक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़े रखती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो क्या रहती है, जुड़ी रहती है। अब अपन क्या देखें, डेवलपमेंट देखें, क्या देखते हैं अभी अपन, देखें यहाँ से क्या देखेंगे, अभी डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट किसका देखें अपन, ओरिजिन है डेवलपमेंट। अब देखिए ऊपर की ओर मैंने क्या कहा था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल करके कौन रुकता है आपका, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है ये आता है नीचे ग्रोथ होता हुआ, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस। इसके नीचे की ओर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इसलिए बोले डाउन वर्ड ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस में मैंने आपको दो भाग बताए, सॉरी पिट्यूटरी के मैंने दो भाग बताए थे, एक तो न्यूरो हाइपोफाइसिस बताया था और एक को आपको बताया था मैंने एडेनो हाइपोफाइसिस। ये देखो ये रहा आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग, ये ऊपर वाला न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया, ये हो गया आपका एडेनो हाइपोफाइसिस भाग। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करें, पिट्यूटरी ग्लैंड का निर्माण करें। और अपन को निर्माण किसका करवाना है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही निर्माण करवाना है, अपन यहाँ पर आए ठीक है। अब तो पिट्यूटरी जो एडिनो हाइपोफाइसिस आपका, एडिनो हाइपोफाइसिस से नीचे की ओर रेथेक पाउच का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, रेथेक पाउच का निर्माण करता है, मुख गुहा की ओर अतिवर्धी।
अमुक गुहा की और अतिवृद्धि, ये आपके आगे आता है ना, इसको छोड़िए, आप इतना याद रखिए, जो एडेनो हाइपोफाइसिस होता है ये डाउनवर्ड आकर किसका निर्माण करता है, रेथिक पाउच का निर्माण करता है। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है ये ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर तो ये तो नहीं जाएगा, जैसे आपका एडेनो हाइपोफाइसिस ऊपर है ये नीचे डाउनवर्ड होकर आएगा तो किसका निर्माण करेगा, आपका ग्रोथ करवाएगा, उसी हाइपोथैलेमस की ग्रोथ करवाएगा, ऊपर जो हाइपोथैलेमस था उसी की ग्रोथ करवाते हुए क्या लेके आएगा, नीचे की ओर लेके आएगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के देखो कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, कितने भाग हो गए, दो भाग। इन भागों की अपन पहले से बात करते आ रहे हैं, आपका एक तो एडेनो हाइपोफाइसिस हो गया और एक कौन सा हो गया, न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया। जब एक आपका एडेनो हाइपोफाइसिस है और जो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इनके खुद के भी कुछ पार्ट होते हैं, इनके भी कुछ भाग होते हैं। जो आपका एडेनो हाइपोफाइसिस होता है उसका भाग होता है, तो होता है आपका पार्स ट्यूबरेलिस, कौन सा होता है, पार्स ट्यूबरेलिस होता है। एक होता है आपका पार्स डिस्टेलिस, एक कौन सा होता है आपका पार्स डिस्टेलिस होता है। एक होता है आपका पार्स इंटरमीडिया, कौन सा होता है आपका पार्स इंटरमीडिया होता है। अब जो पार्स इंटरमीडिया होता है, जो आपका पार्स डिस्टेलिस होता है, जो आपका पार्स ट्यूबुलेलिस होता है, ये भाग किसके हैं, आपके एडिनो हाइपोफाइसिस के भाग होते हैं। यहाँ तक समझ गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की। न्यूरो हाइपोफाइसिस का भाग होता है उसको बोलते हैं पार्स न्यूरोसा, कौन सा बोलते हैं, पार्स नर्वोसा बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, पार्स नर्वोसा बोलते हैं। जो पार्स नर्वोसा होता है ये कंट्रोल करता है कौन से हार्मोन्स को, एडीएच हार्मोन को और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम कौन सा, आपका वैसोप्रेशन हार्मोन है। ये बात भी अपने पहले कर चुके हैं हल्की फुल्की, बट अब ज्यादा पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। फिर आते हैं अपन भाग, कौन से भाग की बात करते हैं, पार्स डिस्टेलिस के भाग की बात करेंगे, कौन से भाग की बात करें, पार्स डिस्टेलिस। और आपका जो पार्स डिस्टेलिस भाग है ये आता है किसमें, एडिनो हाइपोफाइसिस में। किसमें आता है पार्स डिस्टेलिस भाग, एडिनो हाइपोफाइसिस में आता है, कौन से भाग में आता है, एडिनो हाइपोफाइसिस में आता है। अब तो एडिनो हाइपोफाइसिस में आपका जो पार्स डिस्टेलिस भाग आता है, इस भाग के खुद के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके खुद के, तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका एसिडोफिल्स, एक होता है आपका बेसोफिल्स, एक होता है आपका क्रोमोफिल्स। कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए, कौन कौन से, एडी एसिडोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गए और क्रोमोफिल्स हो गए। अब जो आपका क्रोमोफिल्स होता है ये कंट्रोल करता है एडीएच को सीक्रेशन करवाने के लिए। फिर आपका बेसोफिल्स होता है, उसके से सीक्रेशन होता है ए सी एच, टी सी एच का, टी एस एच का, एफ एस एच का, एल एच का। फिर एडी एसिडोफिल्स होते हैं, उनके द्वारा सीक्रेट होता है आपका ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये बात की अपन ने किसकी, एडिनो हाइपोफाइसिस, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इनके जो भाग होते हैं उन भागों के बारे में अपन ने कह के बातें की। अब अपन आगे चलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस को से सीक्रेट होने वाले जो भी हार्मोन है। अब आप बोलोगे सर एडिनो हाइपोफाइसिस सीक्रेट होने वाले हार्मोन कौन से, देखिए अभी अभी अपन पढ़े हैं एडिनो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। ये रहा आपका एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट कौन सा होगा, एक तो देखो जो पार्स इंटरमीडिया होता है उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एम एस एच हार्मोन सीक्रेट होता है। मैंने कहा पार्स डिस्टेलिस भाग होता है उससे भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और पार्स डिस्टेलिस के भी अलग अलग भाग होते हैं। जैसे आपका भाग एक भाग है एसिडो फिर उससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन से, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलेक्टिन हार्मोन। बेसोफिल है उससे तीन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, टी एस एच हार्मोन, एफ एस एच हार्मोन और एल एच हार्मोन। उसके अलावा जो क्रोमोफिल भाग है उससे होता है ए सी एच हार्मोन। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, कितने हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे अपने, यहाँ से सात हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी वे में चलते हुए अपन यहाँ से सबसे पहले जो भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपन भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडेनो हाइपोफाइसिस, और उसी का सबसे पहला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन, आपका ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन एडेनो हाइपोफाइसिस के पास डिस्टेलिस के एसिडोफिल भाग से क्या होता है, ये सीक्रेट होता है।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे को। अभी अपन किसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन क्या क्या करवाते हैं, तो किस कौन से हार्मोन को बात करने जा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम कौन सा है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के भी नाम से उसको जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन की सबसे पहले बात करें तो ये हार्मोन बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर बॉडी ग्रोथ। इस हार्मोन की उपस्थिति में बोन्स मसल्स की ग्रोथ होती है, तो आपकी बोन्स होती हैं, आपकी जो मसल्स होती हैं उनकी ग्रोथ होने के लिए भी आपको ग्रोथ हार्मोन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। इस हार्मोन की उपस्थिति में कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है, कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, संयोजी ऊतक बोलते हैं ना, संयोजी ऊतक का निर्माण होता है। इस हार्मोन की उपस्थिति में कोलाजन प्रोटीन होती है आपकी बॉडी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है, जो आपकी बॉडी को मूवमेंट करवाने, मतलब बॉडी का जो आपका लचीलापन है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है, आपके कोलाजन हार्मोन के कारण होता है। यदि आपकी बॉडी में कोलाजन अच्छा है तो आपकी बॉडी क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, यदि कोलाजन की मात्रा कम है तो थोड़ी हार्डेस्ट होगी। इस हार्मोन, ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन के मेटाबॉलिक के लिए भी आवश्यकता है, मतलब जो उपापचय क्रियाएं होती हैं जिनकी, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन की, इनके लिए भी ये हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर जो आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए डीएनए आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, जो आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस है उनका सिंथेसिस करवाने का कार्य होता है, उसमें भी अच्छा खासा योगदान किसका होता है, आपके ग्रोथ हार्मोन का बहुत अच्छा खासा योगदान होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की, तो सेल डिवीजन होता है, कोशिका जो विभाजन होता है उसको प्रेरित करवाने का, उसमें भी अच्छा खासा रोल किसका होता है, आपके ग्रोथ हार्मोन का अच्छा खासा रोल होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो बॉडी में प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन होती है 2/3, मतलब कि 2 भाग, 3 में से 2 भाग तो किसके होते हैं, आपके प्रोटीन के, और कौन से प्रोटीन, कोलाजन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होती है, कोलाजन प्रोटीन होती है। ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन में वेसरल ऑर्गन ग्रोथ, विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं, आपकी जो किडनी होती है, आपके जो लीवर होता है, आपके जो लंग्स होते हैं, आपका जो हार्ट होता है, ये सारे के सारे कैसे ऑर्गन होते हैं, आपके विसरल ऑर्गन होते हैं। फिर जो हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू कौन से होते हैं, आपके जो बोन्स होते हैं, आपकी जो मसल्स होती हैं, इनकी ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर जो लिपिड होता है, लिपिड का विखंडन होते हैं, विखंडन को अपन क्या बोलते हैं, एक ही वर्ड में बोले लिपिड का विखंडन होना, तो इसका मतलब अपन किसकी बात करें, लाइपोलाइसिस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लाइपोलाइसिस की बात कर रहे हैं, उसके उसमें भी अच्छा खासा रोल किसका होता है, ग्रोथ हार्मोन का अच्छा खासा रोल होता है। जो आपका लीवर होता है, जो आपका लीवर होता है, उस लीवर में ग्रोथ हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया करवाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया करवाई जाती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया करवाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या, जो आपका ग्लाइकोजन होता है उससे ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का क्या होना, टूटना, ग्लाइकोजन से, ग्लूकोज से नहीं, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। प्रोटीन का विखंडन किसमें होगा, एमिनो एसिड्स में होगा, और जो एमिनो एसिड है उनके द्वारा किसका निर्माण करवाया जाता है, जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हाँ नेक्स्ट बात, तो ये तो पूरा वो प्रोसेस बता दें इसमें, जो आपकी अभी अभी अपन ने जो बातें की हैं उन्हीं के बारे में वही वापस बताना है कि ग्लाइकोजन था, ग्लूकोज में टूटा, उसको अपने किस नाम से जाना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जाना। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बने, एमिनो एसिड बने, या फिर ग्लूकोज वापस क्या बना रहा, आपका पायरेट एसिड बना रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस।
एमिनो एसिड से ग्लूकोज को बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। छोड़ो, फिर अपन नेक्स्ट बात करते किसकी, इसको छोड़ना, इसको हटाना यहाँ से। फिर आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन यदि ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस ज़्यादा करवाएगा, कोलाजन प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाएगा, कनेक्टिव टिश्यू का भी बढ़ाएगा, बोन्स और मसल्स को भी बढ़ाएगा, सेल डिवीजन को भी बढ़ाएगा, आरबीसी का निर्माण भी करवाएगा, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ भी करवाएगा। तो ये सारे के सारे अपने जो 10 15 20 जो पॉइंट अभी पढ़ के आए, उन्हीं को एक ही लाइन में अपने क्या कर दिया, यहाँ पर समझा दिया, उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने ये याद कर लिया, तो ओवरऑल आपने ग्रोथ हार्मोन को क्या कर लिया, यहाँ से याद कर लिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन में भी अपन किसके बात कर रहे हैं यहाँ से, ग्रोथ हार्मोन का यदि लेवल ज़्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का लेवल यदि कम हो जाए, तो उससे भी तो बॉडी पर इफेक्ट होगा। अब बॉडी पर इफेक्ट क्या क्या होता है यदि कम या ज़्यादा होने पर, तो अपन सबसे पहले कंडीशन लेते हैं ग्रोथ हार्मोन की, कौन सी कंडीशन लेकर चलते हैं कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है, तो कमी होने के कारण दो प्रकार के डिजीज देखने को मिलती है अपन को, एक तो बोनापन, ड्वार्फ म्यूटेंट जिसे बोलते हैं, एक दूसरी डिजीज होती है उसको बोलते हैं साइमन रोग। कौन सा रोग होता है आपका, साइमन रोग होता है। एक तो हो गया आपका कौन सा रोग, साइमन रोग हो गया, और एक आपका कौन सा रोग हो गया, बोनापन हो गया। कौन सा हो गया, बोनापन हो गया। अब बोनेपन में क्या हो गया है, बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसमें कमी आ जाती है। इन बच्चों को, बच्चों की ग्रोथ में क्या हुई, कमी हुई, बच्चे क्या दिखने लगे, बोने दिखने लगे। इन बोने बच्चों को क्या बोला जाता है, सर्कस का जोकर के नाम से जाना जाता है, या इनको बोलते हैं मिजेट्स के नाम से भी इन बच्चों को जानते हैं। क्या है मिजेट्स, क्या है मिजेट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मिजेट्स किस रोग से रिलेटेड है, तो किस रोग से, बोनेपन से रिलेटेड है या ड्वार्फनिज्म से रिलेटेड है। फिर जो साइमन रोग होता है, हाँ ये अल्टरनेट क्या है, ये अपने आपके अपोजिट है। ड्वार्फनिज्म हो रहा था छोटे बच्चों में, जब साइमन हो जाएगा कहीं एडल्ट में, एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की क्या हो गई, कमी। एडल्ट में यदि ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो समय से पहले क्या दिखने लग जाते हैं, वृद्ध दिखने लग जाते हैं। सेल डिवीजन क्या हो गया, कम हो गया। यदि सेल डिवीजन कम हो गया तो सेल्स, नई सेल बन नहीं रही है, यदि नई सेल बनेंगी नहीं तो पुरानी सेल कैसे मरेंगी। तो अपनी बॉडी है, उस बॉडी पर वो पुरानी सेल्स ही स्किन पर दिखाई देती है, तो पुरानी सेल्स ही दिखाई देंगी, तो उसको क्या कहते हैं कि एक अच्छी खासी एज में भी लोग क्या दिखने लग जाते हैं, बुजुर्ग या बूढ़े दिखने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यदि हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा हार्मोन क्या हो जाए, ज्यादा सीक्रेट होता है। अब यदि हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है तो रोग होता है उसमें, तो जैगनिटिज्म। कौन सा होता है, जैगनिटिज्म होता है। एक होता है आपका कौन सा, एक्रोमेगाली। कौन सा होता है आपका, एक्रोमेगैली होता है। जो आपका जैगनेटिज्म रोग होता है, इस रोग के अंदर क्या होता है, बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिकता। तो वो बच्चे का दिखने लग जाते हैं बहुत बड़े राक्षस से, दावणों का दिखने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली को दूसरे नाम से भी, किस नाम से जानते हैं, क्रायोफाइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रायोफाइसिस के नाम से। क्रायोफाइसिस में क्या होगा, तो एडल्ट होंगे, एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एडल्ट में यदि ग्रोथ हार्मोन यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपके जो बोन्स होती हैं, बोन्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, ज़्यादा होने लग जाती है, बोन्स भंगुर प्रकार की हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर बोन्स में क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो ये किसकी बात की है, अपन ने हार्मोन्स की बात की, कि हार्मोन की अधिकता और कमी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कौन से हार्मोन की, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आज तक यहाँ तक काफी होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।